ये है सामग्री से अदरक और मिर्च को ऐसे कूट ले। इसे अच्छी तरह से बारीक करके कूट ले। इसमें मिर्ची कूटने के समय ही एक टीस्पून नमक, ये क्या, एक चम्मच नमक डाल ले ताकि वो अच्छे से, ताकि वो बारीक बारीक हो जाए। ये बनने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता और टेस्ट में भी अच्छा होता है। अब आलू को छील ले अच्छी तरह से, सभी आलू को, और सबको काट कर अच्छे से धो ले, काट कर और धो ले। और इधर इसे कुकर में बनाए, कुकर में तेल डाल के गर्म होने के लिए छोड़ दे, गर्म गर्म होने दे और जीरा और सौंफ डाले, जीरा थोड़ा ज़्यादा डाले। जब ये गर्म हो तड़कने लगे तब इसमें जो बारीक कूटा हुआ मिर्च और अदरक का जो पेस्ट हमने कूटा था उसे डाल दे और डालकर भूंजे। भुन जाए तो इसमें हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च कलर के लिए और धनिया डालें, धनिया थोड़ा ज़्यादा डालें ताकि उसी से तो रस बनेगा, इसमें ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा मसाले तो है नहीं। और टमाटर डालें और नमक डाल करके सबको अच्छे से भून लें, से डालें, क्योंकि हमने मिर्ची कूटने समय भी नमक डाला था इसलिए स्वाद के अनुसार ही नमक डालें। फिर जब टमाटर भुन जाए अच्छी तरह से तो उसमें आलू डाल लें और आलू डालकर अच्छे से उसे मिक्स करें। जब अच्छे से ये मिक्स हो जाए तो इसमें एक ग्लास जितना आलू डूब जाए उतना पानी डाल करके सीटी लगाएं। दो या तीन सीटी में ये एकदम अच्छे से पक जाएगा। इसके साथ खाने के लिए कुछ बनाते हैं, चलिए इसमें पूड़ी या पराठे बना सकते हैं। जैसे गेहूं का आटा लिया, उसमें नमक, अजवाइन और कलौंजी डाल के ऐसा आटा गूंथ ले ताकि उसमें, इस आटे से मैं पूड़ी भी बना सकते हूँ और पराठे भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मोयन डालें, और धीरे धीरे पानी डाल करके आटे को गूंथ ले। गूंदने के बाद उसे थोड़ी देर 10-15 मिनट रेस्ट करने को छोड़ दे, थोड़ा तेल लगा दे ताकि वो अच्छे से फूल जाए। जब तक आटा फूलता है अपनी सब्ज़ी देख लेते हैं कि वो कैसी है। जब ये बनकर कुछ ऐसी लगेगी, आलू को थोड़ा मैश कर दें ताकि वो अच्छे से घुट जाए और ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाए। और उसमें लास्ट में एक चम्मच घी डाल दें, इससे टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है।